everyone, in this video we are going to discuss the exercises solutions of class 7th chapter number 13 जो कि आपका है motion and time. तो उसके exercises solutions को discuss करते हैं बिना ज़्यादा time waste करें. अपना सारा का सारा study material अपने साथ रखना, जैसे कि book, notebook, pen, pencil, जो कुछ आपको चाहिए अपने साथ रखना. start करते हैं question number 1 से. question number 1 क्या पूछ रहा है, classify the following as motions along a straight line, circular or oscillatory मोशन. तो आपको बताना है कौन सा मोशन ऑसिलेटरी मोशन है, कौन सा मोशन इन स्ट्रेट लाइन है और कौन सा मोशन एक सर्कुलर मोशन है. तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1. क्या पूछ रहा है, मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग, जब हम रन करते हैं तो हमारे हैंड्स का मोशन कैसा होता है. सो दैट इज टू एंड फ्रो. ट्रू और फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब होता है आगे पीछे होता है ना. सो दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. नेक्स्ट इज मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड. एक घोड़ा है ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, कार्ट, कार्ट मतलब होता है ठेला ठीक है, उसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है स्ट्रेट रोड में. तो ये कैसा मोशन हो जाएगा, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ठीक है, सीधी रोड है ना. मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन मैरी गो राउंड. आप फेयर में गए होंगे, कहीं मेले में गए होंगे तो आपने देखा होगा मैरी गो राउंड, वो बड़ी सी चरखी होती है उसको मैरी गो राउंड बोलते हैं. तो उसका कैसा मोशन होता है, सो दैट इज सर्क्यूलर, गोल मोशन होता है ना उसका. नेक्स्ट इज मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ सीसॉ. सीसॉ पता है ना आपको, जो झूला होता है ठीक है, उस पर मोशन कैसा होगा, सो वो होगा ऑसिलेटरी मोशन. मोशन कैसा होगा एक हैमर का, हैमर बोले तो हथौड़ा ठीक है, हथौड़े का एक इलेक्ट्रिक बेल पे, एक इलेक्ट्रिक बेल पे हैमर का मोशन कैसा होगा, सो दैट इज ऑसिलेटरी मोशन. मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज. एक ट्रेन का मोशन स्ट्रेट ब्रिज में, ब्रिज कैसा है स्ट्रेट, तो मोशन कैसा होगा, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ओके, सो ये थे आपके आंसर नंबर 1 सारे के सारे. नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड पे. आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, इनमें से कौन से सही नहीं है. देखो पहला क्या है, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड. टाइम की बेसिक यूनिट सेकंड होती है, तो बिल्कुल सही बात है. नेक्स्ट गलत क्यों है, इस पे हमने टिक किया है ठीक है. तो देखो द एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड. कांस्टेंट मतलब होता है एक जैसी ठीक है. तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ क्या करे एक जैसी स्पीड के साथ मूव करे ठीक है. नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स. दो शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में नापी जाती है, तो बिल्कुल सही है ठीक है, इसलिए हमने इसको टिक नहीं किया है. नेक्स्ट देखिए द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट. जो टाइम पीरियड होता है एक पेंडुलम का वो कांस्टेंट होता है, मतलब एक जैसा होता है, ज़रूरी नहीं है इसीलिए हमने इसको टिक किया है. नेक्स्ट इज द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आर. जो ट्रेन की स्पीड होती है उसको हम मीटर पर आर में एक्सप्रेस करते हैं, सो ये भी गलत है ठीक है. हम कैसे करेंगे, किलोमीटर पर आर में एक्सप्रेस करेंगे. थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है देखो, अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस. व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम. आपको क्या, देखो टाइम पीरियड क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है. आपको टाइम दे रखा है और ऑसिलेशंस दे रखे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे कितने ऑसिलेशंस हुए हैं वो आपको दे रखा है. जस्ट आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द टाइम. ओके, सो देखो आपको पता है कि टाइम टेकन, इसको एक बार सॉल्व करना है हमने अच्छे से. तो देखिए टाइम टेकन कितना दे रखा है आपको, 32 सेकंड्स दे रखा है एक ऑसिलेशन में. देखो अब 32 सेकंड्स में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज 20 ऑसिलेशन. तो 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन होंगे ठीक है, मतलब 1 ऑसिलेशन कितना टाइम में होगा. तो 1 ऑसिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, दैट इज 32 को आपको डायरेक्टली 20 से डिवाइड कर देना है. डिवाइड करना है ओके, आप चाहे तो साइड में डिवाइड कर सकते हैं, और अगर नहीं भी आता है तो देखो दोनों के दोनों 2 से कट आउट हो जाएंगे आपके ठीक है. आपको पता है 2 10 जा 20, इज दैट ट्रू ठीक है. और 2 16 16 2 जा 32, तो कितना हो गया 16/10, ये आपका आ गया 16/10. और डेसिमल्स आपने पढ़े हैं क्लास 6 में भी पढ़े हैं, तो देखो 0.10 क्या है, 10 मतलब कितने जीरो हैं, 1, तो पॉइंट कितना डिजिट छोड़ के लगेगा, एक डिजिट छोड़ के. और हमेशा कैसे डिजिट छोड़ते हैं, पीछे की डिजिट को छोड़ देंगे, तो 6 छोड़ा तो यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाएगा, तो 1.6 आपका टाइम पीरियड सेकंड्स में आ जाएगा. इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, दो स्टेशन है उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 240 किलोमीटर्स.
240 किलोमीटर्स आपको दो स्टेशन के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, याद रखना है आपको ढंग से। 240 किलोमीटर क्या दे रखी है? दो स्टेशन के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। एक ट्रेन है वो 4 घंटे लगाती है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। आपको स्पीड कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो इसको करते हैं फटाफट से सॉल्व। सो देखो, सबसे पहले इसीलिए मैं ऑलरेडी लिख के भी रखती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है? डी डिस्टेंस आपको दे रखी है 240 किलोमीटर्स, टाइम टेकन दे रखा है 4, ठीक है? याद रहेगा व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है? देखो डिस्टेंस दे रखी है 240 किलोमीटर्स और टाइम आपको दे रखा है 4 आवर्स, ठीक है? आपको टेबल तो आती है ना, 4 6 24, 0 बज गया तो 0 आ जाएगा, दैट इज 60 किलोमीटर पर आर। किलोमीटर पर आर क्यों लिखा? क्योंकि ये स्पीड है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? इतना इजी था ये, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दैट इज क्या बोल रहा है? द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीच, एक ओडोमीटर है कार का, तो उसमें कितना आपको दिखा रहा है? दैट इज आपका 57,321 किलोमीटर आपको दिखा रहा है डिस्टेंस, और जो क्लॉक है वो टाइम दिखा रही है 8:30 AM, और जो डिस्टेंस मूव किया कार ने अगर वो 8:50 हो गया, देखो 8:30 से कितना हो गया, 8:50 हो गया, दैट इज़ 20 मिनट्स हो गए, तो जो ओडोमीटर की रीडिंग है वो चेंज हो गई कितना, 57,336 किलोमीटर्स। आपको स्पीड निकालनी है कार की इन किलोमीटर पर मिनट ड्यूरिंग द टाइम, और स्पीड को आपको किलोमीटर पर आवर में भी चेंज करना है। तो ये आपका देखो, अब एक ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो देखो आपको करना क्या है, आपको उसने उसकी इनिशियल टाइम पे, यानी कि आपको दे रखा है डिस्टेंस कितनी दे रखी थी, 57,336, ये आपको कहा है बाद की डिस्टेंस है, पहले की कितनी थी, 57,321 किलोमीटर, तो दोनों को माइनस कर दोगे, ठीक है? माइनस कर दोगे तो ये पता चल जाएगा उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। जब हमने दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 15 किलोमीटर, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, आपको देखो स्पीड आपको किलोमीटर पर मिनट में चेंज करनी है। सो देखो टाइम कितना हुआ, मैंने बोला ना 8:30 से आपका टाइम हो गया 8:50, यानी कि 20 मिनट्स का टाइम हो गया, तो यानी कि 15 किलोमीटर उन्होंने कितने टाइम में ट्रैवल कर दिया, तो दैट इज़ 20 मिनट्स, ठीक है? 20 मिनट्स में ट्रैवल करा। अब 20 मिनट्स में ट्रैवल किया तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, नॉर्मल हम स्पीड निकालते हैं इन कंपैरिजन, जब यूनिट्स किसमें किलोमीटर पर मिनट में दे रखी है। तो देखो क्या हो जाएगा, सेम वही चीज़, 5 से दोनों कट आउट हो रहे हैं, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है? किलोमीटर पर मिनट ये आपकी यूनिट आ जाएगी। नेक्स्ट अब किलोमीटर पर आर में आपको चेंज करना है, किसमें, किलोमीटर पर आर में चेंज करना है। सो देखो हमको पता है, देखो अब एक बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको समझाती हूँ कैसे। जो आपका आर है, ठीक है, अब ये तो मिनट्स में दे रखा है 20 मिनट्स, ठीक है? अब एक छोटी सी बात है कि एक आर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू आपका होते हैं 60 मिनट्स, सही बात है? तो 60 मिनट्स मतलब 20 मिनट्स, 60 मिनट्स का कितना हो गया, 1/3, कैसे किया वो बताती हूँ। देखो 20 अपॉन अगर 60 करो तो क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 0, सो दैट विल बी 1/0 से 0 काट हो गया, 1/3, कितना आया, 1/3 आया। तो मतलब 20 मिनट्स क्या हो गया, 1/3 आवर्स, यहाँ से ऐसे आया ये, ठीक है? अब क्या करना है आपको, 15 किलोमीटर आपको डिस्टेंस दे रखी है, इसको मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। देखो 15 किलोमीटर आपको डिस्टेंस दे रखी है और डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम याद रखना है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है, 1/3। अगर आपने मैथ्स के बेसिक कन्वर्जन पढ़े होंगे तो आपको पता है अगर हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो न्यूमिरेटर क्या हो जाएगा, आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर बन जाएगा। तो 15 3 जा कितना होता है, दैट इज 45, कितना हो जाएगा, 45, ओके सो ये क्या आ गया, 45 किलोमीटर पर आर, इस तरीके से आपका आंसर आया, ठीक है? इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आंसर नंबर 6 पे, सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल। सलमा को 15 मिनट लगते हैं अपने घर से अपने स्कूल तक पहुंचने में, साइकिल की, जब वो बाईसाइकिल की हेल्प से जाती है तब। तो आपको बताना है कि उसकी बाईसाइकिल की स्पीड पहले से दे रखी है आपको, क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड आपको उसकी स्पीड पहले से दे रखी है। आपको डिस्टेंस निकालना है,
आपको ये देखना है दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। देखो टाइम टेकन आपको दे रखा है 15 मिनट्स, कितना दे रखा है 15 मिनट्स। उसके अलावा स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में कितना 2 मीटर। ओके डिस्टेंस आपका क्या है स्पीड इंटू टाइम। अब देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। आप बोलोगे ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, तो अब देखो अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, पता है ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d1 दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। कैसे करना है आपको, ठीक है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हो गया तो दैट इज वो आपके क्या बन गया, दैट इज स्पीड कितनी दे रखी है 2 और मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना दे रखा है 15, तो 15 × 2 = 30। इस तरीके से आपका आया 30 मीटर आपका डिस्टेंस आ गया। ओके इजी था ना बहुत ज़्यादा, अगर नहीं भी आपको लग रहा है इजी तो 2-3 बार सॉल्व करके देखो आपको आ जाएगा। ओके नेक्स्ट है शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। आपको क्या बताना है, शेप बताना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का इन फॉलोइंग केसेस में। आपको यहाँ पर पिक्चर शो अप हो रही होगी कि किस तरीके से एक कार है जो मूव करती है कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ उसका ग्राफ, एंड अ कार जो कि पार्क्ड है साइड रोड में उसका आपको ग्राफ शो हो रहा होगा। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। ओके नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है जो कि क्या है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला है हमने बार बार देखा है। नेक्स्ट आ जाते हैं 9th, क्या पूछ रहा है जो बेसिक यूनिट है स्पीड की वो क्या होती है, स्पीड को ज़्यादातर किस में नापा जाता है, तो दैट इज मीटर पर सेकेंड में नापा जाता है। ओके नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक कार है जो कि मूव कर रही है स्पीड के साथ 40 किलोमीटर पर आर उसकी स्पीड है और 15 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो आपको बताना है कि देन व्हाट देन विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आर अगर उसकी स्पीड है नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस अभी हमने पढ़ा था डिस्टेंस क्या हो जाएगी 25 किलोमीटर्स। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सपोज कर रहे हैं कि दो फोटोग्राफ है, दो पिक्चर्स हैं जैसे कि शो कर रखा है आपको 13.1 में ओके और फिगर 13.2 में, हैड बीन टेकन इन एट एन इंटरवल ऑफ 10 seconds, इफ़ द डिस्टेंस ऑफ 100 meters इज शोन बाय 1 centimeter इन दीज फोटोग्राफ्स कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट कार। ओके आपको एक बार मैं फिगर दिखा देती हूँ उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको 13.1 और 13.2 में बोल रहा है। देखते हैं, ये देखिए ये दो पिक्चर्स दिख रखे हैं आपको, ये कार्स हैं जो कि मूव कर रही हैं, ठीक है ये दो कार्स हैं जो मूव कर रही हैं। उसके बाद आपको बोल रहा है कि क्या करो, आपको इनकी क्या निकालनी है। आपको देखिए आपको डिस्टेंस दे रखी है दो कार्स, मतलब अलग अलग दो पिक्चर्स दे रखी हैं, तो इनमें क्या कह सकते हैं। देखो अगर 10 meters वो कितने में ट्रैवल कर रहा है 10 seconds में, सो क्या हो जाएगा इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो दैट इज 10 meters per second, जिसको हम 0.1 centimeter per second भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका 12 वाला, तो 13.15 में शो कर रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ मोशन ऑफ टू व्हीकल्स का ए और बी, इनमें से कौन सा ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है। ये देखो आपको फिगर दे रहा है, तो देखो ऑब्वियस सी बात है अगर आप ढंग से इस फिगर को देखोगे तो कौन ज़्यादा तेज़ मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जिसमें आप ए वाला देख सकते हो टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ रही है, बी में क्या हो रहा है उसमें भी बढ़ रही है पर स्लो बढ़ रही है, तो ए में क्या हो जाएगा आपका मोशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा फास्ट कौन मूव कर रहा है, सो दैट इज़ ए, ठीक है। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं हम आंसर नंबर 13 पे कि इनमें से कौन सा डिस्टेंस ग्राफ शो करता है एक ट्रक जो कि मूविंग विद स्पीड विच इज़ नॉट कांस्टेंट, एक स्पीड के साथ मूव कर रहा है जो कांस्टेंट नहीं है। तो देखो ये वाला क्यों, देखो इसको अगर आप ढंग से समझो ना तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में तो वो पहले स्लो 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 फिर एकदम से वो एलिवेट हो रहा है, ठीक है, कम ज़्यादा मतलब स्पीड वो क्या है एक कांस्टेंट स्पीड नहीं है। ओके सो ये थे आपके आंसर्स ऑफ आप कह सकते हो चैप्टर नंबर 13 आपका क्लास 7 साइंस के,
exercises solutions. So thank you so much for watching this video. Make sure to like, share, comment or subscribe kar dena yaar channel ko. Thank you so much for watching this video. Thank you everyone.